नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया के सोशल मीडिया टीम के साथ आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसा केस जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत नए खुलासे होते जा रहे हैं, नई नई बातें पता चल रही हैं। और इन सभी बातों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आफताब अपने आप पे इतना काबू भी नहीं कर पाया कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी हत्या तक कर डाली। इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव ये बात बताएंगे कि मौत से ठीक पहले आखिर ऐसा क्या हुआ जिस बात पे श्रद्धा और आफताब की लड़ाई हुई और जिसकी वजह से आफताब ने अपना आपा खो दिया और इस दुखद अंत तक बात पहुंची। बहरहाल हमारे साथ नेहा मौजूद है, नेहा जो इस खबर पे लगातार बनी हुई है और हर अपडेट पे ये काम करे। नेहा, क्या था पूरा माजरा, क्या हुआ? देखिए, जो अभी तक जानकारी के मुताबिक जो भी चीजें पता चली हैं उसके हिसाब से जो आफताब और श्रद्धा हैं ये दोनों मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते थे, वहीं से इनकी मुलाकात हुई, वहीं पर इनका प्यार भी शुरू हुआ शायद, और उसके बाद ये दोनों साथ रहने लगे। फिर जब चीजें और ज्यादा हुई तो इन दोनों ने अपने परिवार को बताया कि हम साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन शायद यहाँ पर एक धार्मिक एंगल भी आ जाता है क्योंकि जो लड़का था वो मुस्लिम था, लड़की जो थी वो हिंदू थी, तो इसलिए परिवार ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और थोड़ा और जो बाजी जो भी लड़ाई झगड़ा आपसी, हाँ, उसके बाद ये दोनों दिल्ली आ गए। यहाँ पर ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और जैसे जैसे टाइम बीता दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक दिन झगड़ा कुछ इतना ज्यादा बढ़ गया कि आफताब ने अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और इस एक बहस के दौरान उसने जो है श्रद्धा की हत्या कर दी। नया सवाल फिर भी वही खड़ा होता है कि जिस कपल ने इतना बड़ा कदम उठाया हो कि परिवार को साइड करके वो मुंबई से दिल्ली जाते हो और साथ में रहते हो और उसके बाद फिर कौन सी ऐसी बात हुई थी मौत से ठीक पहले, श्रद्धा की मौत से ठीक पहले, जिस बात पे इतनी बहस हो गई, जिसको लेके आफताब इतना बेकाबू हो गया कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। देखिए, इसमें अभी ये भी बात सामने खुलकर आ रही है कि जो आफताब था वो धीरे धीरे जो है काफी लड़कियों के संपर्क में आ रहा था, उसके कई लड़कियों से उसकी बातचीत चल रही थी। अच्छा। इस चीज को एक माना जा रहा है हत्या का कारण कि दोनों में काफी लड़ाइयां होती थी, जिसको लेकर लड़की जो थी वो एतराज जताती होगी कि आप ऐसा वो और लड़कियों से बात करते हैं उसको लेकर, और इसी को लेकर उन दोनों के बीच में जो लड़ाइयां दिन ब दिन बढ़ती गई और एक दिन ये बात ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गई वो बहस, और जिसकी वजह से उसने गुस्से बेकाबू होकर, उस शख्स ने गुस्से में बेकाबू होकर लड़की की जो है हत्या कर दी और ऐसे इस घटना का जी बिल्कुल 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 जो एक इस घटना को अंजाम दिया गया, इसका जो मुख्य वजह बताई जा रही है अभी तक जो खबर आई है वो यही है कि दोनों के बीच जो बहस हो रही थी वो इसी बात से हो रही थी कि आफताब लगातार दूसरी लड़कियों के संपर्क में भी था, उनसे भी बात करता था, मैसेज और चैट्स वगैरह उसके भी सामने आए थे, जिसको लेके दोनों के बीच में बहस होने लगी और श्रद्धा अब और ज्यादा फोर्स करने लगी थी शादी करने की। और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ और इतनी बहस हो गई दोनों के बीच में कि आफताब अपना आपा खो देता है और इस घटना को अंजाम देता है। बहरहाल ऐसी तमाम खबरें, उनकी समीक्षाएं और अंदर की खबर एग्जैक्ट क्या हुआ न्यूज वॉच इंडिया अपने सोशल मीडिया टीम के जरिए आप तक पहुंचाता रहेगा, तो आप देख